Good morning, friends. Today we are going to learn second chapter of business studies, that is forms of business. The forms of business means there are many forms of business, and which one could be appropriate for you, you should choose among them. Like we can say the one business is that is called sole proprietorship. One is joint into family business. Third is partnership. Fourth is property society, and fifth is joint stock company. So any form, which one is suitable as per their assets, capitals, people decide which options they can go for and which kind of business they can start as per their requirement. So today all the topics we will learn here in details. So today we are going to learn what is sole proprietorship. Sole means alone. Sole means apna. The business which would be controlled and managed by himself, by individual, that is called sole proprietorship. ऐसा business जो अपने मालिक हो, जो सारा चीज़ control, management सारा अपने अंदर हो, उसको हम लोग sole proprietorship बोलते हैं। जैसे जितने business हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ज़्यादातर business maximum लोग people they do the sole proprietorship, they will be owners of the business and they will manage, they will control everything will be depend upon the sole person, on individuals. That is called sole proprietorship. So there are some features of sole proprietorship. इसके features क्या है? It is foundation and closure. It is quite easy to form this kind of business. कोई भी चाहे आदमी किसी चीज़ का दुकान खोलना चाहता है, किसी चीज़ का रिटेल, होलसेल, कैसे भी बिजनेस कर सकता है. That is quite easy. Sole proprietorship, formation and closure is easy. So anyone can do, any individual can start. Mostly people in India, they do sole proprietorship kind of business. Okay. And second feature is unlimited liabilities. In this kind of business, unlimited liability. Liability means कि जो कर्ज होता है, जो डेट्स, sole proprietorship किसी ने बिजनेस किया, अब उसने डेट हो गया किसी के पास, जो है जो एसेट है उससे ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी कर्ज हो गया, तो उसको जो पूरा कर्ज उसकी जो है सोल प्रोडक्शन मीन्स कि पूरा अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होगी, सारा पैसा उसको ही देना होगा. जैसे दे आर अनेबल टू पे, देन दैट मीन्स ही विल सेल सम थिंग्स फ्रॉम सम एसेट, दे विल मेक री पेमेंट एंड दे शुड क्लियर दैट लाइबिलिटीज दैट डेट. दैट इज फॉर दैट्स व्हाई वी से अनलिमिटेड लाइबिलिटीज. पूरी लाइबिलिटी जो है उसी को होती है, अनलिमिटेड होती है. जितना कर्ज है कंपनी पे, जितना बिजनेस में कर्ज है, उसी को देना होगा, उसी को चुकाना होगा. इसलिए हम लोग बोलते हैं इसमें पार्टनरशिप में एक फीचर है कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है. थर्ड है इस सोल रिस्क बियर. इसमें जो है सोल पार्टनरशिप इंडिविजुअल स्टार्ट करता है, द ऑनरशिप तो सोल रिस्क बियर सारा रिस्क अपने इंडिविजुअल एक बार करता है. एंड प्रॉफिट रिस्क जो होगा प्रॉफिट रिस्क जो भी प्रॉफिट भी होता है रिस्क लेना, तो प्रॉफिट भी सारा जो है ऑनर के पास ही आता है और ये सोल इंडिविजुअल भी इंजॉय करता है. इसीलिए बोलता है कि इसके जो फीचर्स है कि सोल रिस्क बेयर है, अकेले हो रिस्क लेता है, अकेले ही कैपिटल लगाता है, सारा रिस्क जो है मैनेजमेंट कंट्रोल सारा चीज़ खुद करता है और सारा प्रॉफिट भी उसे होता है. तो सोल क्या है प्रॉफिट डिसिप्लिन, वो खुद ही वो प्रॉफिट का इन्जॉय करता है, उसे प्रॉफिट मिलता है. इसीलिए सोल पार्टनरशिप में किसी के साथ जो है टेंशन नहीं होती, कभी जो प्रॉफिट आती है तो उसके लिए और ज़्यादा ज़्यादा इंसेंटिव ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो लोग ज़्यादा ज़्यादा अच्छा काम करते हैं. कि बोलते हैं कि इस बिजनेस में जो है सोल पार्टनरशिप कंट्रोलशिप अपना रहता है, अपने कंट्रोल में रहता है कि जैसा जानता भी कि हम किस तरह बिजनेस करना चाह रहे हैं, कितना हमारा एसेट्स है, कितना कैपिटल है, हमें पूरा कंट्रोल सिस्टम उसके खुद मैनेजमेंट अपने पास रखता है. तो सोल प्रॉपर्टनरशिप ज़्यादातर बिजनेस ठीक ठाक अच्छा सक्सेसफुल होता है. लेकिन इसमें जो है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी. सोल पार्टनरशिप में किसी के पास तो बिजनेस है तो इसमें लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी हो जाती है. अगर जो है ऑनर का डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, वो बैंकक्रप्ट हो गया, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि बिजनेस खत्म हो जाता है. हम लोग बात की सोल पार्टनरशिप कैसा बिजनेस है कि ऑनरशिप बिजनेस जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो खुद ऑनर हो. ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जो छोटे मोटे होटल्स हैं, रिटेल स्टोर्स हैं, होलसेलर है, सब ज़्यादातर लोग सोल प्रॉपर्टनरशिप होते हैं. 80% बिजनेस जो है ज़्यादातर लोग सोल प्रॉपर्टनरशिप करते हैं. इसमें फ़ायदा ये होता है कि फॉर्मेशन एंड क्लोजर आसानी से कोई भी कंपनी खोल सकता है, काम कर सकता है, जब भी चाहे बंद कर सकता है. किसी का कोई गोल्ड का काम करना चाहो तो आसानी से दुकान खोल सकता है, बंद कर सकता है. इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, ठीक है. फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ होती है कि अगर से कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ होती है कि जो भी देनदारी है तो जो ऑनर है, क्योंकि वही सोल रिस्क बेयरर है, सारा रिस्क उसके पास आ जाता है, तो अनलिमिटेड उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा. अनलिमिटेड मीन जितना उसने कर्ज लिया, 10 लाख 20 लाख जो भी उसके
कंपनी पे कर्ज है, सारा चीज उसी पे बढ़ देना है, सारा लाइबिलिटी उसी को चुकाना होगा। अगर जो कंपनी का एसेट नहीं है तो अपने उसी घर बिक जाते हैं, उसके अपने पर्सनल एसेट से पर्सनल मनी से देना होगा उसको। ये बोलते हैं कि सोल रिस्क बियर है, सोल पार्टनरशिप में एक फायदा है कि रिस्क खुद ही लेता है और प्रॉफिट भी खुद पाता है, प्रॉफिट भी सिक्योर्ड। तो रिस्क अपने ले रहा है तो उसको प्रॉफिट भी होता है, ऐसे बिजनेस में लोग ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, आपको जो है ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं कि सारा कंट्रोल अपने बिजनेस में खुद करना होता है। ऐसे जो प्रॉब्लम होती है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, जो ऑनर है अपने एक्सपीरियंस से काम करता है, अगर जो कंपनी को कुछ और ऑनर को हो जाता है तो बिजनेस में डिसकंटिन्यू होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि सारा चीज़ पूरे ऑनर पे डिपेंड करता है। इसमें अगर जो ऑनर का डेथ हो गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी आगे कुछ हो गया, तो कंपनी ऐसे बंद हो जाती है, ऐसे काम फिर कंटिन्यू होना मुश्किल हो जाता है। इस सोल पार्टनरशिप के कुछ मेरिट्स हैं, इसके क्या क्या खूबी है, बोलते हैं कि डिसीजन मेकिंग, ऐसे बिजनेस में सोल पार्टनरशिप जो बिजनेस करते हैं लोग सोल का अपने मालिक बनना चाहते हैं, इसमें क्या होता है डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, अपना देखते हैं कि कितना हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कितना मेरा रिटर्न आ रहा है, हमें जो है कौन सा बिजनेस में हमें पैसा लगाना है, हमें क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि खुद ही सारा चीज़ जानता है, वो जो है सारा तरह का रिस्क लेता है, वो जो है अपना जो है अपना शॉप भी रेंट भी रेट पे शॉप लेता है, अपना कैपिटल भी लगाता है, अपना मेहनत भी करता है, तो सारी चीज़ के बदले उसे प्रॉफिट मिलता है, इसलिए सारा चीज़ सिचुएशन को जानता है। सो पार्टनरशिप में ऑनर जो है उसमें डिसीजन मेकिंग एक फायदा हो जाता है कि डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा फायदा सोल पार्टनरशिप में कि सिक्रेसी ऑफ इन्फॉर्मेशन मेरिट्स है, इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट रहता है, क्योंकि खुद कहाँ से जो है कौन सा जो सेलिंग कर रही है मालिक एक्सचेंज या गुड्स कर रहा है या सर्विसेज दे रहा है, इसके बारे में दूसरे को मालूम नहीं है। बिजनेस जो है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, दूसरे की इन्फॉर्मेशन मालूम हो सकता है आपके कंप्यूटर ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या होता है सीक्रेसी होता है इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से माल आ रहा है, कैसा प्रोडक्ट है, कहाँ से आ रहा है, कौन कैपिटल लगाया, क्या है, ये सारा सीक्रेसी रहता है इन्फॉर्मेशन, जिससे कंपनी को बहुत ईजी हो जाती है, सारे मेरिट्स हो जाते हैं। कि डायरेक्ट इंसेंटिव, इसका फायदा जो होता है कंपनी को सोल पार्टनरशिप ऑनरशिप में, ये खुद ही उनको फायदा होता है, जब देखता है कि हमने 10 लाख रुपया लगाया मेरा रिटर्न कितना आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न उसे मालूम है, उसको लग रहा है कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा, तो ये सारे मेरिट्स हो जाते हैं। एक फिर आता है एक और मेरिट्स है सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, कोई भी सोल पार्टनरशिप जो ऑनरशिप बिजनेस करता है तो उनको एक अकॉम्प्लिशमेंट लगता है कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव किया, मेरा कोई अपना एक बिजनेस है, मेरा कोई नाम है, उसमें एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है। तो दीज आर मेरिट्स ऑफ द सोल पार्टनरशिप। और बिजनेस करना बहुत ईजी है, जो है आसानी से फॉर्म कर सकता है, क्लोज भी जब चाहे बंद कर सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ या लीगल कुछ जो है फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, जब चाहे आदमी ऐसे लोग सोल पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। जितने भी हम लोग देखते हैं मेडिसिन शॉप हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, जितने तरह का बिजनेस हम लोग देखते हैं, रिटेल हो, ज़्यादातर लोग सोल पार्टनरशिप करते हैं, तो ज़्यादातर छोटे मोटे बिजनेस जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है, अपना जो है खुद जो है सारे बेनिफिट होता है कि अपने खुद रिस्क बियर करता है और खुद ही प्रॉफिट आता है। सोल पार्टनरशिप में क्या होता है कि अपनी वही सारा चीज़ करता है, जो फैक्टर ऑफ इनकम है उसके लिए जो है क्या करता है, वो कैपिटल भी लगाता है, या जो है कैपिटल लगाने के लिए अपना भी पैसा लेता है, कहीं से लोन भी लेता है, उसको इंटरेस्ट देता है, फिर जो है खुद मेहनत भी करता है, अपनी जो है कहीं पे शॉप लेता है या जो भी लैंड वगैरह शॉप जो भी लेता है उसके लिए रेंट मिलता है। तो जो भी जैसा बिजनेस करना चाहिए तो सारा चीज़ इसमें सारा फैक्टर इसमें होता है, उसके बदले में जो है जैसे रेंट भी उसने देता है, सैलरी देता है लोगों को अपनी जो कैपिटल लगाता है, तो सारे चीज़ इसके बदले में उसे प्रॉफिट मिलता है सोल पार्टनरशिप को। इसीलिए सोल पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत ज़्यादा लोग इंकरेज होते हैं इसी बिजनेस में। फिर हम लोग आगे बात करेंगे कि अगला जो एक और पॉइंट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एक सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है कि बहुत सारी कंपनी जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इंडिया में चलती है, कि जॉइंट फैमिली जैसे इसमें एक करता होता है, जैसे पुराने एनसिस्टर जो प्रॉपर्टी होती है एनसिस्टर बिजनेस चलता है, कि जैसे जो है ग्रैंडफादर किसी ने बिजनेस शुरू किया, अब वो आगे फॉरवर्ड हो जाता है, अब उसके फादर है अंकल हैं सभी लोग मिलकर चलाते हैं। तो इस बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस देखें, उसमें उसके जो फीचर्स वगैरह एंड मेरिट्स देखें, उसके क्या मेरिट्स हैं डिमेरिट्स हैं उसमें, तो हम लोग जो है पहले जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड चैप्टर में आपको जो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी देखना है कि कैसे कैसी कंपनी एग्जिस्ट करती है, कैसे कैसी कंपनी बनाते हैं लोग। तो जैसे अपने जो है एसेट के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से, अपने जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से अप्रोप्रिएट चूज़ करना पड़ता है कि विच कुड बी द सुटेबल फॉर द बिजनेस, समवन दे वोट फॉर द सोल पार्टनरशिप, दे आर मेरिट्स, बेस्ट आर दे यूज टू गो टाइटल, देन अदर इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, दे हैव फैमिली बिजनेस, so what formality will be there, what will be the benefit of that, we'll in the next chapter we'll learn that one. Then one form is partnership, some people they want to like make a partnership, they do the business, and one is cooperative society.
kind of company they exist here. So today we learned only the features of sole proprietorship and merits of the sole proprietorship. Tomorrow in the next class, I hope we will learn about joining the family business, about the merits and demerits of that one. Okay, have a nice day.